हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार, निजी दलाल को भी पकड़ा। हेयर सैलून के मीटर की गड़बड़ियों के मामले में ली 20,000 रुपए की रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACP की जोधपुर स्थित स्पेशल टीम ने सोमवार सुबह बाड़मेर जिले के पादरू में जोधपुर डिस्कॉम के एक तकनीकी सहायक और एक निजी दलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा। उन्होंने ये राशि एक हेयर सैलून संचालक से बिजली मीटर में गड़बड़ियों का मामला रफा दफा करने की अवज में मांगी थी। ACP स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि देवाराम ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पादरू में हेयर कटिंग सैलून है। इस सैलून पर लगे मीटर में गड़बड़ियां बताकर तकनीकी सहायक नवल किशोर मीना व कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र सैनी उसकी दुकान पर आए और मीटर खोलकर ले गए। इसके बाद गड़बड़ियों का मामला बताकर उसे रफा दफा करने के लिए नवल किशोर मीना ने देवाराम को फोन कर 20,000 रुपए की मांग की। शिकायत का सत्यापन होने पर आज सुबह देवाराम को 20,000 रुपए देने के लिए फोन किया। उसके फोन करने पर नवल किशोर मीना ने उक्त राशि एक निजी दलाल भगवान प्रसाद उर्फ बाबू सिंह राजपुरोहित को देने को कहा। थोड़ी देर में बाबू सिंह पादरू में किराए के मकान में रहने वाले देवाराम के घर पहुंच गया। उसी समय पहले से तैयार ACP की टीम ने उसे दबोच लिया। उसकी जेब से रंग लगे 20,000 रुपए बरामद कर लिए गए। इसके बाद नवल किशोर मीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ के आधार पर कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र सैनी से भी पूछताछ की जाएगी। उसके कोई मीटर लगा हुआ था तो वो 2 दिन पहले यहाँ पे JN और लाइनमैन ये नवल मीना वहाँ पे आए थे और उसका मीटर वगैरह लेके चले गए थे। मीटर वापस लगाने की एवज के नाम पे लाइनमैन उससे 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। और आज हमारे ACP की टीम के साथ जब हम यहाँ पे आए तो जब इससे कोई यहाँ पे उसके घर पे भेजा गया कार्रवाई करने के लिए और उसको पैसा देने के लिए, तो उसने अपने यहाँ पे दलाल, एक मिठाई की दुकान वाला है, उसके लिए बोला कि तुम वहां पे जाके दे दो, मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ। तो फिर हमने पैसे उस दलाल को दिलाए और दलाल से जब ये बात होगी इसकी कि भी पैसा उसके लिए लिया हुआ है, तो उस नवल मीणा को भी हमने यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।